नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर एक बार फिर शुरू हुआ आंदोलन। वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर हर थोड़े दिनों में कुछ न कुछ आंदोलन उपोषण होते रहते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन रिपब्लिकन पार्टी की महिला पदाधिकारियों द्वारा पिछले 3 दिनों से किया जा रहा है। कड़ी धूप में खड़े रहकर पिछले 3 दिनों से सतत आंदोलन कर रही है महिलाएं। मनपा के पेल्हार प्रभाग समिति के विभिन्न क्षेत्र जिसमें खैरपाड़ा, पेल्हार पानी की टंकी के पास, पेल्हार पाटा, दूध वाला कंपाउंड आदि जगहों पर जारी अनाधिकृत बांध काम पर कार्यवाही करते हुए इन्हें ध्वस्त किए जाने की मांग कर रही है। देखना यह कि आखिर कब मनपा प्रशासन इनकी मांगों पर कार्यवाही करेगा और कब इन आंदोलन पर बैठी महिलाओं का आंदोलन खत्म होगा। आगे वीडियो में सुनिए इन महिला पदाधिकारियों का बयान। अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमें आर्थिक रूप से मदद करने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले गूगल पे बार कोड को स्कैन कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा काटकर है और मैं पालघर जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्ष से। आप यहाँ पे इस तरह से खड़े हैं? विषय है अनलीगल बांधकाम का विषय है। इन लोग को तकरार कर करके हम लोग थक गए लेटर दे दे के। ये लोग सुनते ही नहीं है। ये लोग ना स्क्वायर फुट के ऊपर 200-200 रुपए पैसा खाते हैं लोग, और अपन बोलेंगे तो खाली घुमाते हैं बस। इसको भेज देंगे छुट्टी पे, मना ले जाएगा छुट्टी पे, फिर किशोर गवत छुट्टी पे जाता है, कभी कमिश्नर छुट्टी पे जाता है, पैसा खा खा के। इनका यही काम है। और बेचारे गरीब लोग है ना, उनका टपरी तोड़ेगा कोई, उसका गाला तोड़ेगा, रूम तोड़ेगा किसका, लेकिन बड़ा बड़ा जो रहता है ना वो नहीं तोड़ते। जो 50-50 हजार फुट काम चालू है वो नहीं तोड़ेंगे लोग। कहाँ कहाँ पे काम चालू? पेलार में चालू है, पेलार में। कितने दिन से आपका ये आंदोलन? हम लोग का ये 3रा दिन है आज। मेरा मनीषा गोवारी है और मैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी से महासचिव, ये जिला अध्यक्ष हमारे मैडम और मैं महासचिव हूँ। क्या विषय, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर ही है। आज का 3रा दिन है। 3 दिन से हम लोग लगातार धूप में खड़े हैं, वो लोग एसी में बैठे, लेकिन एक बार भी वो लोग आके पूछताछ नहीं किए, बात नहीं किए कि भाई हम लोग कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, उसके भी कोई जवाब नहीं। आपने कुछ पत्र व्यवहार किया? हाँ, बहुत सारे पत्र व्यवहार किए, उसी का कोई जवाब नहीं है। वो लोग रिप्लाई देने के टाइम पे तो जैसे मैडम ने बताया ये छुट्टे पे, वो छुट्टे, सब लोग छुट्टी पे रहते, कोई मिलता नहीं है टाइम पे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाए तो हम लोग वही तीव्र आंदोलन करेंगे, फिर पार्टी के थ्रू, पार्टी के सपोर्ट से। फिर आएंगे हमारे नितिन कटारे सर जी जो युवा अध्यक्ष, वो आएंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।